सो गाइज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के ट्रेलर के बारे में जो कि कल रिलीज होने वाला है सोशल मीडिया पर। वैसे आज भी बहुत सारी जगह पर 3D स्क्रीन पर थिएटर में आदि पुरुष के ट्रेलर को बताया जा रहा है, बट कल सारे सोशल मीडिया एप्स पर आदि पुरुष मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। तो गाइज आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष मूवी का ट्रेलर मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुए होंगे मूवी में या फिर नहीं, या फिर जो टीजर का हाल हुआ था वैसा ही ट्रेलर का भी हाल होने वाला है? और जैसा हाल टीजर का हुआ था अगर वैसा ही ट्रेलर का भी हो गया तो भाई एक्टर प्रभास का करियर तो खतरे में आ सकता है। और अगर मेकर्स ने सच में मूवी में कुछ इम्प्रूवमेंट किए होंगे तो भाई लिख के ले लो, ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने से इसको कोई नहीं रोक सकता। वैसे आदि पुरुष के ट्रेलर की ड्यूरेशन होने वाली है लगभग 3 मिनट, और बताया जा रहा है कि ये ट्रेलर पूरा 3 मिनट का एक्शन से भरपूर होगा। और गाइज अगर ट्रेलर सही निकला तो भाई मूवी तो देखने जाएंगे लोग। और अगर मूवी के VFX में दिक्कत नहीं हुई है ना गाइज, तो ये मूवी बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस लेवल की मूवी है आदि पुरुष, और मूवी के मेकर से 1 महीने पहले ही मूवी का ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को पता चले कि आदि पुरुष मूवी इस तारीख को आने वाली है, और इस तरीके से आदि पुरुष मूवी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन कर पाएगी। वैसे मेकर से मूवी का प्रमोशन भी स्टार्ट करने वाले हैं और उससे मूवी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और बाकी सब तो हमें कल ट्रेलर देखने में पता चलेगा कि आखिर इन्होंने अब क्या बनाया है और 100 करोड़ लगाकर, क्योंकि मूवी का बजट अब चला गया है 600 करोड़ के आसपास। 100 करोड़ लगाकर इन्होंने VFX पर काफी ज्यादा इस बार ध्यान दिया है, तो अभी आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स ने आखिर बनाया क्या है। बाय द वे हमें कल देखने को मिल ही जाएगा कि मेकर्स ने आखिर बनाया क्या है। उम्मीद है मेकर्स ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मूवीज के 2 पोस्टर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हम कल देखते हैं कि आखिर मूवी का ट्रेलर कैसा निकलता है, और आदि पुरुष के ट्रेलर का रिव्यू मेरे इस चैनल पर जरूर आएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।